सरकार की वह दावे खोखले साबित हो रही हैं जो कि मुख्यमंत्री या कहते हुए नजर आते हैं, ना खाऊंगा और ना ही खाने दूंगा। लेकिन यहां तो सब उल्टा हो रहा है। पूरा मामला सेवा सहकारी समिति हरदी का है, जहां पर कई खाता धारक अपना जमा राशि निकालने के लिए जाते हैं, लेकिन कैशियर के द्वारा यह कह दिया जाता है कि संस्था में पैसा ही नहीं है। हितग्राहियों के यहाँ किसी की शादी है, किसी की बीमारी है, तो अब वो कैसे शादी कर और कैसे दवा कराएं। कई बार समिति प्रबंधक के द्वारा पत्र भी लिखकर डिमांड की गई, लेकिन सहकारिता विभाग रीवा के द्वारा अब तक कोई अमल नहीं किया गया। खाता धारक 6 महीने से संस्था के चक्कर काट रहे हैं। कितना? 60,000। कब जमा किए थे? अरे 7-8 साल हो गए। कब से आ रहे हैं? कितने दिन आ रहे हैं यहाँ? हम 2 महीने से। क्या कहते हैं यहाँ किसानी? कहते क्या हैं अधिकारी, क्या कहते हैं? आधे पैसे नहीं है सर, चेक काटी ला है। हाँ। कटा है ये जब मिल जाए तब पहाड़ी खाता घड़ा है खोला है। मतलब यहाँ नहीं मिल पावा तो वहाँ ट्रांसफर कर दे, तब वो नहीं बोल रहा, वो से नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। बीमार हाँ, दवाई करावे तक का पैसा नहीं है यहाँ पर। 50-60 लाख रुपया अभी बता है, 15 दिन पहले से लेकर लगा 15-15 लाख का चेक सामने काटे हैं और देते थे नहीं पैसे। चेक जो काटा गया हरदी सोसाइटी से वही पैसा नहीं मिल रहा? नहीं तो चेक उसका पैसा कौन मिल गया? हितग्राही बता रहे हैं, आपके सामने बता रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं भाई, पैसा जो चेक कटता है उसका पैसा नहीं मिल रहा। तो फिर चेक क्यों नहीं काटा जा रहा है? क्यों 10 हितग्राही बैठे हैं बताइए हम कर रहे हैं? नहीं तो हितग्राही बैठे हैं, पर तो जब अमानत का पैसा हमको मिलेगा तभी ना हम दे पाएंगे। हमारे कैसे हिसाब से रोहित साहब पढ़ने बताएंगे, क्योंकि ये मतलब सब ये मतलब क्या है, किसानों को पैसा यही जमा करते हैं, यही पैसा भेजते हैं पहाड़ी जमीन को, हमें इसको लिए तो अब तक ऐसे कितने किसान आए आपके पास? ये हमको कोई जानकारी नहीं, किसान आज जो आते हैं तो हम भुगतान करवाए हैं। अभी लगभग 10 किसान यहाँ पर आए थे, आज की बात नहीं हो गई है, किसान हमारे पास बहुत आए, हम आवेदन दिए, पैसे की मांग किए हमने ऊपर से, आवेदन भी मतलब आपके जीएम साहब को दिए।